इंटरव्यू का खास होना था, सिलेक्शन तो पहले ही हो जाता है। काबिलियत को कौन पूछता आजकल, बस पैसा हो या सिफारिश। फिर इतनी देर कैसे हो गई? वो राहुल मिल गया था आज, वो भी गया था एक जगह इंटरव्यू देने, पूरे 50,000 रुपए मांगे उससे, देगा तो नौकरी मिलेगी, देखते हैं। छोड़ो अब जो हुआ, जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा पिताजी ऑफिस गए थे आज? गए तो थे, पर आज फिर उन्हें दमे का दौरा पड़ गया, इसलिए घर वापस जल्दी आ गए। डॉक्टर के पास गए पर उसने सिर्फ आराम करने को कहा है। पिताजी 4 महीने बाद रिटायर होने वाले और उधर उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम क्यों रो रही है? मैं हूं ना, पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तू रो मत, मैं पिताजी को देख के आता हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है पिताजी? बेटा तबीयत का क्या है, कभी खराब हो जाती है तो कभी ठीक हो जाती है। हाँ तू बता तेरा इंटरव्यू कैसा रहा? बस हो ही गया, देखें आगे क्या होता है। भाई आज इस को लता को क्या हो गया, ये आज इतनी उदास क्यों है? आज उसके होने वाले सास ससुर आए थे, दहेज के 75,000 रुपए मांग रहे थे, वरना रिश्ता तोड़। क्या रिश्ता तोड़ देंगे? अरे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देंगे, अगर उनको पैसे ही चाहिए थे तो उनको पहले बोलना चाहिए था ना, अब हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मकान गिरवी रखकर दहेज की रकम पूरी करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ चाहिए? आज का तो दिन ही खराब है, जहाँ जाओ बुरी खबर सुनने को मिल गई। अपना रमेश है ना, कल उसके पिताजी का देहांत हो गया। क्या उनका देहांत हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ, शायद वो कोई सरकारी नौकरी करते थे। हाँ मगर वो 2 महीने पहले ही रिटायर हो गए थे। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर 2 महीना पहले मर जाते तो उनकी जगह रमेश को नौकरी मिल जाती, वो बेचारा भी तो नौकरी के लिए कहां कहां भटक रहा है। भैया खाना लगा दिया है, चलो खा लो। मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। अच्छा पिताजी आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। पिताजी 4 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं और उधर उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर 2 महीना पहले मर जाते तो उनकी जगह रमेश को नौकरी मिल जाती, वो बेचारा भी नौकरी के लिए कहां कहां भटक रहा है। नौकरी मिल जाती, मिल जाती, नौकरी मिल जाती। बेटा हाँ बेटा नौकरी लग गई। पिताजी पिताजी